नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे पितृपक्ष में कौन सी कहानी सुनी जाती है और क्या कार्य करने से आप भी पा सकते हैं पितरों का आशीर्वाद। देखिए, पितर वही होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और अपने जीवन काल को समाप्त करके भगवान के पास चले जाते हैं, वही हमारे पितर बनते हैं। अगर जीवित अवस्था में हम उनकी सेवा भाव और उनके सारे ये चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें तो ऐसे पितर जो होते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं और आपको दर्पण इत्यादि देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, कभी समय के अभाव से तो कभी समझने के अभाव में हम अपने जान पहचान यानी अपने माता पिता और अपने जो संबंधी हैं उनको खुश करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में विधान है कि आप जितना हो सके उनको साथ रहिए उनके और उनको खुश रखने का प्रयास करिए। और अगर ये भी ना कर सकते हैं तो 16 दिनों का श्राद्ध बना हुआ है, श्राद्ध पक्ष में आप विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करिए जिससे कि आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीष देंगे। आज के वीडियो में हम बताते हैं कुछ छोटी छोटी सी जानकारियाँ, जैसे कि आप सुबह उठ करके सूरज भगवान को जल जरूर दें, पितृपक्ष में जल देने का विशेष ध्यान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितरों को एक बार अत्यधिक रोगों से ग्रस्त होना पड़ा था, तब उसका समाधान करने के लिए पितृलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप अग्निदेव के पास जाइए। तभी अग्निदेव ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब भी आपका अग्रभाग मिलेगा तो सबसे पहले मुझे दिया जाएगा और अग्नि में आहुति देने के बाद आप अपना भाग ग्रहण करेंगे। उसी से भगवान सभी ग्रहों के देवता सूर्य हैं। सूर्य भगवान ने भी कहा कि सूरज भगवान को जो जल देगा उसके बाद आप लोग को जो जल देगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। आप सभी लोग प्रतिदिन सूरज भगवान को जल देते हैं तो इस बार पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देने के बाद आप सूर्य भगवान को अवश्य ही जल दीजिए और अग्वारी ज़रूर से करिए। अग्वारी का मतलब होता है आहुति देना। जैसे जलते हुए आग में हम अग्वारी देते हैं यानी स्वाहा कहते हैं, उसी तरीके से गोहरी के बुझे हुए भाग को प्रेत ग्रहण करते हैं यानी हमारे पितर ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो अग्वारी दी जाती है सबसे पहले अग्वारी देने का इसलिए विधान है कि अगर जो अग्वारी देकर के शुद्ध हो जाता है भोजन, वही भोजन जो है ब्रह्म राक्षस भी ग्रहण नहीं करते हैं और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपकी श्रद्धा से ही जुड़ी हुई हैं भक्तों। जी हाँ भक्तों, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे श्राद्ध कर्म हो, चाहे और कोई कर्म हो जो आप अपने कर्म से करते हैं, हर चीज में सात्विकता लाने के लिए आपको अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये ना सोचिए कि ये मेरे बजट में नहीं है, ये मैं खरीदूंगा तो इससे नुकसान हो जाएगा। जो भी छोटी से छोटी चीज़ आप खरीदें वो इतने प्रसन्नचित मन से आप खरीदें, अपने जो चाहने वाले हैं उनका ध्यान करके आप आज के दिन जो भी चीज़ें खरीदें वो खरीद करके दान करें, उससे आपको अत्यधिक प्रेम भाव उत्पन्न होगा आपके शरीर में जिसे पितृ ग्रहण करेंगे। अगर आप कसक करके या अपने मन में कोई दुविधा रख करके कोई भी कार्य करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होता है। पितृदेव भी आपके हर भाव को जानते हैं, इसलिए उनसे भी कुछ भी चीज़ें नहीं छुपाई जा सकती हैं। आप जिंदा थे जब आपके माता पिता या आपके प्रियजन, तो आप जितना स्नेह उनसे करते थे उतना ही स्नेह इन 16 दिनों में आप उनसे करिए। हर दिन उनके मनपसंद का खाना बना करके आप गाय को, कुत्ते को, चींटी को ज़रूर से खिलाइए। हो सके तो ब्राह्मण को भी आप पका हुआ खाना अपने घर में खिलाइए। ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से आप पिंडदान करिए और प्रत्येक दिन आप
आप उनके मनपसंद का भोजन जरूर से घर में पकाइए, इससे आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा। आटे की जो गोली होती है उसे घर में बना के रात्रि को नहीं रखना चाहिए, इससे पितृ दोष लगता है, तो आप ऐसा कार्य ना करिए। चलिए, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है जो कि मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, तो अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कहानी पढ़ने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा भी कर दीजिएगा। एक प्राचीन समय की बात है, एक नगर में दो भाई रहते थे। दोनों ही बहुत ही कुशल थे और हर चीज़ में निपुण थे, परंतु पैसे के अभाव में एक भाई थोड़ा सा गरीब था और एक भाई अमीर था, जिसका नाम था सुखी और दूसरे का नाम था दुखी। लोगों के बुलाने पे और उनके व्यवहार के कारण ये नाम उनको दिया गया था। सुखी जो था उसकी पत्नी अत्यधिक घमंडी स्वभाव की थी, वो हर एक कार्य करती थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही करती थी। उसी जगह दुखी की पत्नी एक कुशल गृहिणी थी, वो सदाचारी महिला थी और जो भी काम करती थी वो अपनी बहुत ही खुशी मन से और स्वच्छ साफ मन से किया करती थी। एक दिन की बात है, पितृपक्ष के समय सुखी की पत्नी ने सुखी से कहा कि मैं पितृ श्राद्ध करना चाहती हूँ। तो सुखी ने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, हम ये सब नहीं करेंगे। और तब सुखी की पत्नी ने कहा कि आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप सोच रहे हैं कि मुझे अत्यधिक काम करना पड़ेगा, इसी वजह से आप ये कार्य करने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि मैं ये कार्य दुखी की पत्नी को बुला के करवा लूँगी, परंतु आप मुझे कार्य करने दीजिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर के सुखी तैयार हो गया। सुखी की पत्नी को पितृपक्ष में श्राद्ध करने से ज़्यादा ज़रूरी था अपने दोस्तों और अपने मित्रों और मायके वालों को बुला करके भोजन कराना, धूमधाम एक उत्सव की तरह से ये चीज़ मनानी थी और अपने पैसे की सोबाजी करनी थी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपने पैसे का दिखावा ही बस उसे करना था। तो उसने सबको बुला लिया। सुबह सुबह दुखी की पत्नी आ गई और उसने सारे कामों को किया। हालांकि वो निर्धन थी, परंतु जिठानी के कहने पे उसे आना था, तो वो जल्दी जल्दी आई और सारे काम को दोपहर तक समाप्त करके वो अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी तो आज के दिन श्राद्ध करना था। अब उसने भी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो उसने अगवारी से श्राद्ध किया। दोपहर का समय हुआ, पितृ लोग धरती पे आए, तो वो सुखी के घर सबसे पहले गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि किसी ने भी उन्हें श्राद्ध नहीं समर्पित किया और सबसे पहले भोजन करने लगे। ऐसी देखिए मान्यता है हिंदू धर्म में कि अगर आप किसी के घर श्राद्ध का खाना खाने जाएं तो उस खाने को आपको सबसे पहले पितरों के निमित्त भोजन रख देना चाहिए। परंतु सुखी के परिवार वालों ने ऐसा नहीं किया और जो उसके ससुराल के पक्ष लोग आए थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तब उदास होकर के पितर जो हैं वो दुखी के घर गए। दुखी के घर भी अगवारी दे दी गई थी, तो अगवारी की राख चाट करके सभी पितृदेव आकर के नदी किनारे आपस में बात करने लगे, एक दूसरे को बताने लगे कि उनके यहाँ कैसे श्राद्ध पक्ष हुआ। तब सुखी और दुखी के पितर लोग कहने लगे, अगर आज दुखी के घर में धन होता तो वो हमारा बहुत अच्छे से पिंडदान करवाता और हमारे लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाता। यही बात सोच करके सारे पितर आकाश में दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से खुशी मन से चिल्लाने लगे कि वाह, सुखी के घर में तो बहुत धन हो गया है, सुखी के घर में बहुत धन हो गया है। इधर सुखी के बच्चे बहुत अधिक भूखे थे और वो अपनी माँ के पास जाके कहने लगे कि माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुखी की पत्नी निराश मन से अपने बच्चों से कही, आंगन में जाओ और हड़िए में कुछ रखा हुआ है बांट करके सभी भाई बहन खा लो। वहाँ बच्चे गए तो वहाँ देखा कि हड़िए में बहुत सारा सोना चांदी पैसा रखा हुआ है। बच्चे दौड़ के अपनी माँ के पास गए और माँ को बुला के लाए। दुखी की पत्नी ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुई, उसने अपने पितरों को प्रणाम किया और
अगले साल जब पितृतर्पण का समय आया, पितृपक्ष का समय आया, उसने अपने पितरों के निमित्त 56 भोग बनवाया और खूब धूमधाम से पितर लोगों का उसने पूजा पाठ करवाया, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाया, अपने जेठ जेठानी को भी बुला करके सोने और चांदी की थाली में खाना परोसा। इससे उसके पितर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। जैसे कि सुखी के घर में धन होते हुए भी उसने पितरों के निमित्त दर्पण नहीं किया, इसका उसे दोष लगा और उस दोष के कारण उसका परिवार बहुत अधिक दुखी रहने लगा। दूसरी तरफ निर्धन होने के कारण भी दुखी जो है वो धनवान हो गया और धनवान होने के बाद भी दोनों पति पत्नी कभी भी घमंड और ईर्ष्या से दूर रहे, क्योंकि उनके ऊपर पितृदेव की कृपा थी और अपने भाई की भी उसने खूब मदद की। इससे पितृदेव का आशीर्वाद पूरे परिवार पे पड़ा और उनके घर में कई पीढ़ियों तक धन की कोई कमी नहीं हुई, उनके घर में संपन्नता का वास हुआ। आप सभी को अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के दिन कथा पढ़ने से, पितृस्त्रोत का पाठ और चालीसा करने से आपके घर में धन्य धान के भंडार भरे रहेंगे। आप सभी के घर परिवार पे पितृदेव की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव।